मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई शहर में हर रोज चोरी के कई मामले सामने आते हैं। इस बीच घाट कोपर की एक कंपनी में काम करने वाले नौकर ने चोरी करने की योजना बनाई और उसे अंजाम भी दिया, जिसके बाद मुलुंड पुलिस ने बिना वक्त जाया किए इस मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन कर इन चोरों को पकड़ा। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी के मदद से इन चोरों को पकड़ना आसान हुआ। इन चोरों ने तकरीबन 13,75,000 की लूट की थी। सीसीटीवी में ये सारा मामला कैद हुआ था। पुलिस ने अपनी टीम बनाकर तुरंत 24 घंटों के भीतर इन चोरों को पकड़ा। सुनिए मुलुंड पुलिस ने क्या कहा है। मुलुंड पुलिस स्टेशन में सीआर रजिस्टर्ड है 540/22। ये 392/328 आईपीसी की तरफ यह मामला दर्ज था। इसमें हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि सिद्धार्थ एंड एसोसिएट एक सीए फर्म है, वहाँ पे काम करने वाला जो लड़का था उसको उसके मुंह पे कोई एक लिक्विड लगा के उसके साथ जो कैश थी उसके पास, वो 13,75,000 की कैश फोर्सफुली कोई सिंगल हैंड पर्सन लेके गया था। ऐसा हमको सीसीटीवी में भी आ गया था और पूरा हमने टेक्निकल एनालिसिस भी किया। इन्वेस्टिगेशन में हमने दो आरोपियों को अभी तक अटक किया है। ये 12 घंटे में हमने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेके पूरी 13,75,000 कैश हमने 100% रिकवरी की है। प्राथमिक जो इन्फॉर्मेशन हमको जो इन्वेस्टिगेशन में आ गई है, ये पूरा प्लान जो लड़का सीएफएम में काम कर रहा था उसी का है। उसने उसका फ्रेंड है, उसकी उम्र 24 ईयर्स है, दोनों डोंबिवली के रहने वाले हैं, दोनों ने प्लान किया था। और जो लड़का सीएफएम में काम करता उसका उसके ऊपर कोई शक ना आए, इसलिए उन्होंने जो प्लान किया था वो भी सीए फॉर्म के ऑफिस के बाहर जो डोर है वहाँ पे उन्होंने एक्ट किया और फिर पूरा कैश वो फोर्सफुली लेके गया था। हमने टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से पूरा हमने ये 100% कैश रिकवर किए। हमारी टीम एसीपी शिंदे साहब, सीनियर पीआई कोथिंबिरे साहब, एपीआई कामले और उनकी टीम, इनका माननीय पुलिस कमिश्नर मुंबई सर, ज्वाइंट सीपी साहब और रीजन साहब ने बहुत अभिनंदन किया है। एक अच्छा डिटेक्शन बुलुंड पुलिस ने आज यहाँ पे किया है।